हाउस एकेडमी का टोटल फी स्ट्रक्चर है, मैंने इंग्लिश हाउस एकेडमी में टोटल कैश प्राइज जीता था वो था, और साथ ही साथ वहाँ पर मुझे सबसे फर्स्ट रैंक फर्स्ट अवार्ड जो कि मेमेंटोज बहुत सारे मिले थे वहाँ पर मुझे सबसे पहला अवार्ड मिला है वो है इंग्लिश हाउस एकेडमी कहाँ पर सिचुएटेड है, इंग्लिश हाउस एकेडमी का टोटल फी स्ट्रक्चर क्या है, हम इंग्लिश हाउस एकेडमी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, क्या इंग्लिश हाउस एकेडमी में ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल है जो कि हम घर बैठकर अटेंड कर सकते हैं, और इंग्लिश हाउस एकेडमी में जाकर हम क्या फ्लुएंटली इंग्लिश सीख पाएंगे, इन सारे सवालों के जवाब फ्रेंड्स आप लोगों को मिलने वाले हैं इस वीडियो में, इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मैं हूं मोहम्मद अनस, तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखना क्योंकि मैं जाकर आया हूं हैदराबाद फॉर अ वन मंथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप प्रेजेंटेड बाय मुनव्वर जमा सर। पूरी एक महीने की वो वर्कशॉप थी, 40 डेज की वो रेसिडेंशियल वर्कशॉप है जो कि मैंने अटेंड की थी, तो उसका पूरा एक्सपीरियंस उसकी पूरी नॉलेज के आप लोग वहाँ पर जाकर कैसे एडमिशन ले सकते हैं, सारा क्या प्रोसेस होता है वो मैं आज के इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मुनव्वर जमा सर ये एक ऐसी शानदार पर्सनालिटी है कि जिनके मोटिवेशनल टॉक सुनकर मोटिवेशनल स्पीचेस सुनकर कई सारे यूथ की कई सारे नौजवानों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। ये जो भी मोटिवेशनल टॉक्स देते हैं हर चीज़ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड एंड लाइफ ग्रोथ से रिलेटेड एंड पेरेंट्स एंड मोटिवेशन हर तरह से रिलेटेड ये मोटिवेशन देते हैं, और बहुत सारे लोग अलग अलग कंट्री से अलग अलग देश से इनके फ़ैन हैं, खासकर हमारी पूरी फैमिली, मेरी फैमिली भी मुनव्वर जमा सर की हर मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, और मैंने और मेरे मम्मी ने पहले ही डिसाइड कर लिया था कि हम उनकी पूरी वन मंथ की पर्सनालिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप जरूर अटेंड करेंगे, बट उस वक्त लॉकडाउन चल रहा था इसलिए हम तुरंत उनकी वर्कशॉप अटेंड नहीं कर पा रहे थे, और जब लॉकडाउन खत्म हुआ लॉकडाउन एंड हुआ तब हमने उनकी टीम से कॉन्टैक्ट किया, हमने सारी इन्फॉर्मेशन देखी, सारा प्रोसेस जाना कि कैसे हम वहाँ पर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, तब उन्होंने हमें कहा कि आप सबसे पहले 5,000 rupees एज अ टोकन एज अ रजिस्ट्रेशन फीस आप लोग हमें ऑनलाइन पे कर सकते हैं ताकि हम आपका नाम यहाँ पर रजिस्टर करवा सके, बिकॉज वहाँ पर सिर्फ लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल होती है, वरना बहुत सारी तादाद में उनके पास फोन आते हैं फोन कॉल आते हैं लेकिन जो कुछ लिमिटेड लोग होते हैं उन्हीं को वो एडमिशन देते हैं। इसी तरह मैंने और मेरे मम्मी ने भी डिसाइड किया कि हम लर्निंग पर्पस के लिए जाएंगे हैदराबाद, और उनसे वहाँ पर मुनव्वर जमा सर से मुझे भी बहुत सारी कुछ चीज़ें सीखने मिलेंगी, उनकी पर्सनैलिटी से मुझे बहुत सीखने मिलेगा, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम जाएंगे हैदराबाद फॉर अ वन मंथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वर्कशॉप। अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इंग्लिश हाउस एकेडमी का फी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को दो ऑप्शंस मिलते हैं, हैदराबाद में एक मेट्रोपोलिस नाम का एक होटल है, मेट्रोपोलिस होटल, वहाँ पर ही पूरे वन मंथ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की वर्कशॉप होती है, और आप लोगों को सबसे पहला ऑप्शन दिया जाता है कि आप लोग उसी होटल में रहकर जो है वर्कशॉप्स को अटेंड कर सकते हैं, मतलब आप इन हाउस पार्टिसिपेंट बनकर उस वर्कशॉप को पूरा अटेंड कर सकते हैं, और जो दूसरा ऑप्शन है वो ये था कि आप लोग बाहर हैदराबाद में कहीं पर पीजी में या फिर लॉज वगैरह में रहकर आप जो टाइमिंग होता है अटेंड करने का क्लासेस अटेंड करने का आप उस टाइमिंग में आकर वर्कशॉप अटेंड करके उस होटल से वापस अपने पीजी रूम्स में जा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शंस वहाँ पर आपको दिए गए थे, और हमने भी यही डिसाइड किया था कि हम लोग कहीं बाहर पीजी में वगैरह में रह लेंगे लॉज में रहेंगे, बिकॉज मैं और मेरे मम्मी ही थे सिर्फ, तो हमने यही सोचा था, इसलिए हम दो दिन पहले गए थे हैदराबाद में वर्कशॉप स्टार्ट होने के दो दिन पहले हम हैदराबाद में गए, वहाँ पर हमने बहुत अच्छी तरह से इंक्वायरी की, सारे लॉज सारे पीजीज वगैरह हमने देखे, तो मेरे डैडी को सारी इंक्वायरी करने के बाद कुछ जगह सेफ नहीं लगी, मतलब मैं और मेरे मम्मी सिर्फ पूरा एक महीना अकेले रहने वाले थे हैदराबाद में, तो मेरे डैडी को सेफ नहीं लगा। और जब मुनव्वर जमा सर को पता चला कि हम जो है ऐसा बाहर पीजी या फिर लॉज वगैरह में रहने का देख रहे हैं, तो मुनव्वर जमा सर ने पर्सनली मेरे डैडी को सजेस्ट किया कि अगर आप अपने फैमिली की सेफ्टी चाहते हैं, सेफली उन्हें जो है मतलब हैदराबाद में हम पहली बार गए थे तो इसलिए अगर आप अपनी फैमिली सेफ्टी चाहते हैं तो आप उन्हें मेट्रोपोलिस होटल में स्टे करने के लिए कह सकते हैं, हम आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी देंगे और वो सेफली अच्छे से लर्निंग भी कर पाएंगे। फिर फ्रेंड्स उसके बाद उन्होंने हमें अच्छा सा डिस्काउंट भी दिया और हम लोगों की एंट्री हुई मेट्रोपोलिस होटल में। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा, आपको सजेस्ट करूंगा मेरी तरफ से कि आप लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन यानी कि इन हाउस पार्टिसिपेंट होटल में मेट्रोपोलिस होटल में ही रहकर आप लोग जो है ट्रेनिंग अटेंड कीजिए, वहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी और उसकी फीस है टोटल 50,000 rupees पर पर्सन। जी हाँ, अगर आप मेट्रोपोलिस होटल में रहकर ही ट्रेनिंग अटेंड करते हैं तो उसकी फीस होती है, जब मैं गया था राइट 7th of July 2021 में जो है मैं वहाँ पर गया था पिछले साल, तो उस वक्त जो है 50,000 पर पर्सन फीस थी, बट अभी का मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि उस 50,000 में इंक्लूडेड क्या क्या था। इंक्लूडेड था अच्छा AC रूम,
जी हाँ, आपको जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनसे जो है कंबाइन करके आपको एक रूम दिया जाता है, बिल्कुल अच्छी फैसिलिटी के साथ, बिल्कुल शोर शराबा नहीं होता है, मतलब कंफर्टेबल जोन में रहकर आप लोग लर्निंग कर सकते हैं। इतना अच्छा वहाँ का एटमॉस्फियर था, आप लोगों को बाहर का कोई नॉइज़ नहीं सुनाई देगा, तो आप लोग अच्छी तरह से अपनी लर्निंग पे फोकस भी कर सकते हो। और अभी अगर मैं फूड फैसिलिटी की बात करूँ तो वहाँ पर बिल्कुल हाइजीनिक फूड दिया जाता है और 3 वक्त का खाना आप लोगों को दिया जाता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, एंड शाम के वक्त पे हाई टी की फैसिलिटी भी उन्होंने रखी हुई है। वेज एंड नॉन वेज दोनों वहाँ पर अवेलेबल होता है, बिल्कुल हाइजीन फूड होता है। रेस्टोरेंट में जाकर आप लोगों को सेल्फ सर्विस लेकर खाना भी खाना होता है, बहुत ही बढ़िया खाना होता है फ्रेंड्स, सच में मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ। बिल्कुल कंफर्टेबली रहकर आप लोग अगर होटल में रहकर ही ट्रेनिंग सेशन अटेंड करते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल फैसिलिटीज आप लोगों को मिलती है, और साथ ही साथ आप लोगों को मुनव्वर जमा सर का कुछ टाइम के लिए पर्सनल अटेंशन भी मिलता है। मतलब जो इन हाउस पार्टिसिपेंट है, सर अपना खुद का पर्सनल टाइम निकालकर उन्हें जो है सिखाते हैं और भी बहुत सारी चीजें। तो चलिए अभी लर्निंग पॉइंट के ऊपर, सिलेबस के ऊपर हम जाते हैं कि वहां पर आप लोगों को क्या क्या सीखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों को जो है मतलब थोड़ा सा डाउट होता है कि यार हम इतनी अच्छी इतनी मोटी रकम फीस पे कर रहे हैं तो हमें उस तरह का नॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, हम फ्लुएंटली स्पीकिंग कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले वहां पर आप लोगों को सिखाया जाता है फियरलेस टॉकिंग। आप लोग बगैर डरे स्टेज के ऊपर किस तरह से बात कर सकते हैं, ऑडियंस को किस तरह से आप लोग एड्रेस कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सबसे पहले आपको सिखाई जाती है। मतलब कॉन्फिडेंटली पब्लिक स्पीकिंग कैसे किया जाता है वो वहाँ पर अच्छी तरह से सिखाई जाती है। नेक्स्ट इज ग्रामर, हर तरह के जो टेंसेज होते हैं वो सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। मतलब ग्रामेटिकली जो मिस्टेक्स लोग करते हैं जिसकी वजह से शायद उनकी मिस्टेक्स भी होती है, वो मिस्टेक ना हो इसलिए ग्रामर की वो जो है हर तरह से हमारी प्रैक्टिस लेते हैं। हमारे पास एक डायरी दी जाती है, उस डायरी में हम लोग सारी चीज़ें नोट डाउन करते हैं, सर पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू सारी चीज़ें हमें जो है अच्छी तरह से ग्रामर के बारे में एक्सप्लेन करवाते हैं। उसके बाद आती है वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनिंग, मतलब कि जो भी इंग्लिश वर्ड्स होते हैं हम किस तरह से प्रोनाउंस कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले सब लोग कहते थे अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी, बट वहाँ पर जाने के बाद मुझे पता चला कि अलग अलग तरह के वॉइस एंड एक्सेंट्स होते हैं। अपॉर्चुनिटी, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट, इस तरह से अलग अलग तरह से हम एसेंट निकाल कर जो है अच्छी तरह से उन वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो वॉइस एंड एक्सेंट की ट्रेनिंग भी वहाँ पर हमें दी जाती है। एंड द मेन मोटिव जिनका उनके ऊपर होता है वो पॉइंट अभी मैं आपको बताता हूँ, पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट। हमारी खुद की पर्सनैलिटी को हम किस तरह से डिवेलप कर सकते हैं वहाँ पर वो सिखाया जाता है, जो कि बहुत मेन होता है फ्रेंड्स। मतलब कि स्टेज पर चढ़ते वक्त जूतों का आवाज़ भी नहीं आना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग हमें दी जाती थी। हम अच्छी तरह से बिल्कुल सेंसिटिविटी से ब्रश कैसे कर सकते हैं हमारे टीथ को, वो भी हमें सिखाया जाता था। मतलब छोटी से छोटी बारीकी से चीज़ हमें वहाँ पर सिखाई जाती थी, जो कि हमारी पर्सनैलिटी पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट में सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और साथ ही साथ हम हमारे रिलेशनशिप को कैसे बिल्ड कर सकते हैं, हम हमारे पेरेंट्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या फिर हमारे रिलेशनशिप मतलब जो भी होते हैं हमारे रिलेटिव्स उनके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, बड़ों के साथ छोटों के साथ कैसे बिहेव करना है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने हमें सिखाई थी पूरे 40 डेज में। साथ ही साथ वहाँ पर जो है बहुत ही बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ भी आते हैं, जैसे कुछ बड़ी बड़ी कंपनी के CEO, वहाँ के मैनेजर, वहाँ के HR यहाँ पर आते हैं ताकि वो स्टूडेंट्स को एड्रेस कर सके। बिकॉज बहुत सारे यूथ वहाँ पर आती है, यूथ के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो वो जो एक्सपीरियंस्ड बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ होती है वहाँ पर आकर, जैसे कि पिछले बार जब हम गए थे तो वहाँ पर कर्नाटका के मिनिस्टर आए हुए थे, मतलब पॉलिटिशियंस भी वहाँ पर आते हैं और बहुत कुछ सीखने को हमें मिलता है। तो वहाँ पर इस तरह से बड़े पर्सनैलिटीज़ आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों वहाँ पर जो है हर वीकली असेसमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 4 वीकली असेसमेंट्स के एग्ज़ाम होते हैं, जो हम एक हफ्ते में पूरा सीखते हैं उसका पूरा सिलेबस का एग्ज़ाम हमें वापस से देना पड़ता है। और फ्रेंड्स इस तरह से हमें अलग अलग एक्टिविटीज़ के थ्रू, अलग अलग मतलब गेम्स के थ्रू हमें जो है कॉन्सेप्ट समझाया जाता है, बहुत ही अच्छी तरह से हमें जो है कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाता है। इसके बाद दोस्तों 40 डेज़ की जो लास्ट के 2 डेज़ होते हैं उसमें एक दिन फेयरवेल पार्टी रखी जाती है, दूसरे दिन ग्रैंड कॉन्वोकेशन डे रखा जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि मैं जिस बैच में गया था उस वक्त फेयरवेल एंड कॉन्वोकेशन का डे, ये जो दोनों दिन थे दोनों दिन जो है पूरी एंकरिंग मैंने की थी। जी हाँ दोस्तों, पूरी एंकरिंग मैंने की थी और मुझे भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया था वहाँ पर एंकरिंग करते हुए, मेरा गला भी बैठ गया था इतनी जोश के साथ हमने एंकरिंग की थी। और बहुत सारे एक्साइटेड चीज़ हमने उस डे पे किए थे और बहुत अच्छा लगा था हमें। और दोस्तों आखिरी डे यानी कि ग्रैंड कॉन्वोकेशन डे पे उन्होंने मेरे पेरेंट्स को जो है अच्छी तरह से ऑनर भी करवाया था, और बहुत मुझे प्राउड फील हो रहा था उस वक्त। और साथ ही साथ मुझे कैश प्राइज भी मिला था, अराउंड 10,000 to 13,000 मुझे जो है कैश प्राइज मिला था। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मतलब मेरे टैलेंट को देखकर उन्होंने मतलब एक हीरे की पहचान असली एक जौहरी को ही होती है, तो इसलिए उन्होंने ये भी कहा था मुझे कि आने वाले दिनों में जो भी हमारी वर्कशॉप होगी
इंग्लिश हाउस अकेडमी इज़ ऑलवेज रेडी टू वेलकम यू। सो उन्होंने मेरे लिए हर वर्कशॉप जो है रखी हुई है, जो कि मतलब मैं कभी भी जाकर उनकी वर्कशॉप अटेंड कर सकता हूँ, उसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड फील करता हूँ। और आई थिंक मैं अभी आने वाले कुछ समय में जाने भी वाला हूँ ताकि मैं अपने और ज़्यादा लर्निंग कर सकूँ और मुनव्वर जमा सर से भी मिल सकूँ। सो फ्रेंड्स, ये सारी वीडियो थी कि आप लोगों के सारे डाउट्स आई थिंक क्लियर हो चुके होंगे इंग्लिश हाउस अकेडमी के बारे में, उसका फीस स्ट्रक्चर। इंग्लिश हाउस अकेडमी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, इंग्लिश हाउस अकेडमी सिर्फ एक रेसिडेंशियल वर्कशॉप है, और साथ ही साथ आप लोग वहाँ पर जाकर एडमिशन भी ले सकते हैं। सबसे पहले आप लोग जो है उनकी इंक्वायरी कर सकते हैं, आप उनकी यूट्यूब चैनल पर जाइए, मुनव्वर जमा इस तरह का नाम का उनका यूट्यूब चैनल है, आप उनकी चैनल पर जा सकते हैं। हर वीडियो में जो है उन्होंने नंबर दिया होगा, उस नंबर पर आप लोग कॉल करके उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो इसे कमेंट करके जरूर बताइए और लाइक कीजिए और उस अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो इंग्लिश सीखना चाहता है, खासकर इंग्लिश अकेडमी में जाकर। मेरे यूट्यूब चैनल आनर्स की वीडियोज को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस करके रखिए। थैंक यू।